कोरोना महामारी के चलते जहां देश में भय और मंदी का माहौल है, वहीं इस बार त्योहारों का रंग भी मानो फीका पड़ने वाला है। आने वाली 3 अगस्त को भाई बहनों का त्योहार रक्षाबंधन भी बाजार में कोरोना की भेंट चढ़ता दिख रहा है। मार्केट के हाल जानने के लिए अर्थप्रकाश टीम ने चंडीगढ़ की नामी मार्केट में दुकानदारों से जाना कि कोरोना संकट का इस बार रक्षाबंधन पर क्या असर पड़ रहा है, जबकि बाजार में हर तरह की राखी मौजूद है। नन्हे बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, हर उम्र के भाई के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की राखियां बाजार में आई हैं, किंतु ग्राहक नहीं आ रहा। लोग डरे हुए हैं कोरोना की वजह से, तो अभी क्यों इतना कोई खास नहीं है, पर आजकल थोड़ा जिसने सेंड करनी है राखी, हाँ, वो थोड़ा कर रहे हैं कि भी भेज रहे हैं। ये जैसे राखी है ये वाली, अच्छा, तो ये सब चली हुई है, अच्छा, ये चल रही है। और बच्चों के लिए कुछ खास इस बार? बच्चों के लिए वही टेडी वगैरह आते हैं जो बच्चों के लिए, वही चले हुए हैं। अच्छा, वो चल रहे हैं। डोरेमोन, छोटा भीम हो गया, अच्छा, अच्छा। ये कैरेक्टर ऐसे ना, अच्छा, चली गई है क्योंकि लॉकडाउन से अभी भी कस्टमर आते हुए डरता है। तो चाहे जितना मर्जी लॉकडाउन खुल गया है पर कस्टमर अभी भी आता डरता है, ऑनलाइन परचेज करने में ज्यादा प्रतिरोध करता है। जो कस्टमर आ रहा है वो अच्छा आ रहा है कस्टमर जो ले रहा है, पर 50% सेल डाउन है। बाय प्राइस कस्टमर ने अभी तक कुछ नहीं बोला कि महंगी है, क्योंकि हर तरह की वैरायटी आती है, महंगी भी आती है, सस्ती भी आती है। अलग आया हुआ जी, देखो करेक्टर सारे अलग आये हुए, इस बार नाम लिखा हुआ है, सबसे ज्यादा चल रहा है इसका। अच्छा, नाम वाली राखी, नाम वाले बच्चों के भी काफी आई है अच्छी राखी इस बार। अच्छा, जैसे पबजी राखी जो आज से लेटेस्ट चला हुआ, बच्चों को ज्यादा पसंद आती है। अच्छा, पबजी राखी, हाँ जी, पबजी मिल जाएगा इसमें कृष्णा में। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थप्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।